नमस्कार साथियों, सब्जेक्ट एमई 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फेरस मेटल्स यानी लोह धातु, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर के माध्यम से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फेरस मेटल्स क्या होता है? फेरस मेटल्स का मतलब होता है लोह धातु। वो मेटल्स या वो धातुएँ जिनमें लोह का अंश होता है, मेटल्स कंटेनिंग आयरन, उनको हम लोग फेरस मेटल्स या लोह धातु के नाम से जानते हैं। तो इसमें फेरस मेटल्स या लोह धातु में सभी प्रकार के आयरन यानी लोहे और स्टील यानी इस्पात शामिल होते हैं। स्टील जो होता है उसमें आपका जो कार्बन होता है, कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वो 2% से कम होती है, और कास्ट आयरन जो कि एक तरह का आयरन है, ढलवा लोहा जिसे हम हिंदी बोलते हैं, इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है वो 2% से ज़्यादा होती है। और कार्बन जो होता है कास्ट आयरन में ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, और ये तन्यता में यानी टेंशन में थोड़ा कमज़ोर होता है, ब्रिटल यानी भंगुर होता है और सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। ग्रेफाइट की ये क्वालिटी होती है कि वो एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी वाला मेटल होता है। स्टील में कार्बन जो होता है वो संयुक्त फॉर्म में होता है यानी कंबाइंड फॉर्म में होता है, और टफनेस इसकी क्वालिटी होती है, यानी टफनेस का मतलब उसमें जो सहन शक्ति या झटके सहन करने की जो शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में हम जो मेटल्स होते हैं इनके कहाँ कहाँ उपयोग लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा होगा तो भवन निर्माण में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में हम जो है लोह धातुओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कृषि यंत्र यानी एग्रीकल्चरल टूल्स या इम्प्लीमेंट्स में भी इसका यूज़ है। वाहन व्हीकल्स मशीनें तरह तरह की जो होती हैं ये सब लोहे से या लोहे के मटेरियल से ही बनती है। जहाज, शिप्स, वायुयान, एरोप्लेन और ब्रिज के यानी पुल जो होते हैं उनके ढांचे, इलेक्ट्रिकल और कई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप फेरस मेटल्स का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स यानी इनका वर्गीकरण। तो मोटे तौर पे जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं साथियों धातुओं का, वो दो उसमें करते हैं, दो भागों में, एक तो फेरस और एक होता है नॉन फेरस। लोह धातु यानी फेरस और अलोह धातु यानी जिनमें फेरस यानी लोहा नहीं होता। तो इसमें जैसे अगर एग्जांपल हम दें लोह धातु, जैसे पिग आयरन यानी कच्चा लोहा जिसे हम बोलते हैं, कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा, रॉट आयरन जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का, सबसे शुद्ध फॉर्म होता है, पिटवा लोहा बोलते हैं, और इस्पात यानी स्टील, और ऐसे धातु जिनमें कि आयरन की क्वांटिटी नहीं होती या बिल्कुल नगण्य होती है, वो हम नॉन फेरस मेटल्स के नाम से उनको जानते हैं। जैसे कॉपर हो गया, तांबा, ब्रास, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया इत्यादि, ये जितने भी मेटल्स हैं ये सब नॉन फेरस हैं। इनमें लोहे की मात्रा या तो न्यूनतम होती है या बहुत कम होती है। अब बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कास्ट आयरन की। तो कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक तो होती है मशीनेबिलिटी यानी इसकी कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग इस पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और कास्ट आयरन जो होता है भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। बात करते हैं वेल्डेबिलिटी, क्योंकि इसमें कार्बन जो है कास्ट आयरन में 2.5% से 4% का ही होता है, तो इसकी जो वेल्डिंग होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल पड़ती है और कॉस्टली भी पड़ती है, तो इसकी जो वेल्डेबिलिटी है ये लो होती है, कम होती है। अब जो कास्ट आयरन होता है ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है यानी संक्षारण प्रतिरोधकता इसमें ज़्यादा होती है, कंपैरेटिवली चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है। स्टील जो है उसमें ज़्यादा अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कास्ट आयरन के मुकाबले। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील की बात करेंगे यानी जो लोह और इस्पात है इसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो आपका लोह धातु है वो उसमें हम उनको 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, दूसरा होता है कास्ट आयरन ढलवा लोहा, तीसरा पिटवा लोहा रॉट आयरन जिसे बोलते हैं, कार्बन इस्पात इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं कार्बन स्टील, और एक होता है एलॉय स्टील यानी वो स्टील जिसमें कि एलॉय में 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का हम एडिशन करते हैं जिससे उसकी जो मैकेनिकल या यांत्रिक गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़ होती हैं
उनमें बढ़ोतरी की जा सके। तो सबसे पहले हम लोग जो आयरन का जो वर्गीकरण है उसमें पिग आयरन यानी कच्चा लोहा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सभी प्रकार के लोहे या इस्पातों को पिग आयरन के रूप में हम धमन भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में अपचयन प्रक्रिया यानी रिडक्शन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो भट्टी जो हम काम में लेते हैं धमन भट्टी होती है उसकी बनावट उसका वर्किंग और उसमें होने वाले रिएक्शंस जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पिग आयरन हमें जो होता है ये आयरन ओर यानी लो आयस के रूप में हमें खदानों से मिलता है और इस ये जो कच्चा पदार्थ होता है इसका हम रिडक्शन करके कच्चे लोहे को जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्मेल्टिंग या हिंदी में प्रगलन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कास्ट आयरन यानी ढलवां लोहा। जो पिग आयरन को साधारण रूप से गलाने पर कास्ट आयरन बन जाता है और यह प्रोसेस हम जिस भट्टी में पूर्ण करते हैं उसे हम कुपोला के नाम से जानते हैं। जैसे पिग आयरन में जो कच्चा लोहा जिसे हम बोलते हैं ये जो हम बनाते हैं ये तो हम ब्लास्ट फर्नेस यानी धमन भट्टी में बनाते हैं और कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा है उसके लिए हम जो फर्नेस या भट्टी काम में लेते हैं उसका नाम होता है कुपोला फर्नेस। उसका भी हम लोग डिटेल जो स्टडी है वो अगले आने वाले अपने जो लेक्चर हैं उनमें हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा। ये सबसे शुद्ध लोहा होता है साथियों। इसमें आयरन का जो कंटेंट होता है जो आयरन की प्रतिशतता होती है वो 99.9% तक होती है और 0.15% तक इसमें कार्बन होता है। इससे पिग आयरन को हम लोग सबसे पहले तो शुद्ध करते हैं रिफाइन करके और उसके बाद इसमें और भी प्रक्रियाएं जैसे पुडिंग जिसे हम बोलते हैं बिलोना और शिंगलिंग यानी निपीड़न प्रक्रिया करने के बाद आखिर में हम इसको बेलते हैं यानी रोलिंग करते हैं और फिर हमें ये रॉट आयरन प्राप्त होता है। यानी जो पिग आयरन है कच्चा लोहा जो सबसे अशुद्ध मतलब फॉर्म होती है आयरन की या सबसे घटिया किस्म का जो आयरन होता है उसको हम लोग चार प्रक्रियाओं के माध्यम से अच्छा करते हैं। तो हमें जो चार प्रक्रियाएं जैसे रिफाइनिंग हो गई पुडिंग यानी बिलोना हो गया शिंगलिंग यानी निपीड़न हो गया और उसके बाद उसको रोल करते हैं तो वो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है रॉट आयरन जो कि बहुत शुद्ध होता है। अच्छा इसकी क्या क्वालिटी है? ये एक तो कठोर होता है हार्ड होता है एवं झटके यानी इम्पैक्ट तथा कोरोजन का रेजिस्टेंट होता है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है कि इम्पैक्ट को आसानी से झेल लेता है सहन कर लेता है। और इसमें हम कहाँ कहाँ इसका प्रयोग लेते हैं ढलवा लोहा का ये पिटवा लोहा जो होता है इसका हम कहाँ का यूज़ लेते हैं जैसे एंकर चेन। एंकर मतलब जैसे अपने बड़े बड़े जहाज होते हैं उसमें हम लंगर बांधते हैं तो लंगर जिस चेन से बांधा जाता है वो एंकर चेन कहलाती है और पानी में रहता है तो हमें ऐसा पदार्थ चाहिए होता है जिसमें जंग नहीं लगे और रॉट आयरन में ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि उसमें जंग नहीं लगता तो और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है तो वो इससे हम लोग एंकर चेन बनाते हैं। रेलवे की कपलिंग्स हम बनाने के काम में लेते हैं रॉट आयरन को और लिफ्टिंग हुक्स जो हमारी क्रेन्स में लगे रहते हैं वो भी हम काम में लेते हैं है ना। इसके बाद जो चौथा जो है अपना वो है कार्बन स्टील। ये इसमें क्या कार्बन और आयरन दोनों होते हैं। कार्बन स्वतंत्र रूप से ना रहकर सीमेंटाइट के रूप में रहता है। ये बहुत ज़रूरी है कि किस फॉर्म में कार्बन रहता है। कई जो मेटल्स होते हैं इनमें ये फ्री स्टेट में होता है कईयों में कंबाइंड यानी संयुक्त अवस्था में होता है। इसमें ये होता है सीमेंटाइट में फ्री नहीं होता बट सीमेंटाइट के रूप में रहता है। इसके गुण जो हैं कार्बन के जो उसमें कार्बन की मात्रा है उसका प्रोपोर्शन है वो किस रेशियो में है किस परसेंटेज में इस बात पे डिपेंड करता है। कार्बन स्टील ज़्यादातर कच्चे लोहे से ही बनाया जाता है क्योंकि रॉट आयरन से अगर हम बनाते हैं तो इसके जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है इसलिए हम ज़्यादातर केस में पिग आयरन यानी कच्चे आयरन से कार्बन स्टील का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील कितने के तरह के होते हैं? ये हमारे पास 5 तरह के होते हैं। एक एक करके मैं इनको नाम बताऊंगा। इनका परसेंटेज आपको ध्यान रखना है कि कार्बन इतना क्योंकि सारा जो कहते हैं ना खेल है वो कार्बन की प्रतिशतता पे ही निर्भर करता है कि उसमें कौन सी क्वालिटीज़ ऐड होंगी कौन सी क्वालिटीज़ कम होंगी। तो इसलिए कार्बन का परसेंटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ को बढ़ाने में। तो सबसे पहला अगर हम कार्बन स्टील की बात करते हैं तो होता है डेड माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को हिंदी में हम बोलते हैं मृदु इस्पात। तो डेड माइल्ड स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 0.05 से 0.1 प्रतिशत होता है। इसको हम चैन बनाने के काम में लेते हैं स्टैम्पिंग में काम लेते हैं रिविट्स आपने देखा होगा रेलवेज में रिविट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वायर नेल्स
जो आपकी जो कीलें होती हैं, सीम्स और वेल्डेड पाइप में हम इसका भरपूर प्रयोग करते हैं डेड माइल्ड स्टील का। जो नेक्स्ट जो कार्बन स्टील है वो है माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात। इसमें 0.1 से लेकर 0.15% तक का कार्बन होता है। स्ट्रक्चरल स्टील यानी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स या अपन ब्रिज निर्माण करते हैं या बड़े बड़े जो भी स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उसमें स्टील का हम लोग बहुत काम लेते हैं, माइल्ड स्टील का ही काम लेते हैं। स्क्रू जो होता है केस हार्डनिंग में काम, ड्रॉप फोर्जिंग, शाफ्टिंग और लीवर और फोर्जिंग में ये अत्यधिक काम में लिया जाता है इसके गुणों के कारण। फिर आता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की जो परसेंटेज है वो 0.3 से 0.6 के बीच वेरी करती है। इसको हम लोग कनेक्टिंग रॉड जो आईसी इंजन का जो पार्ट होता है उसको बनाने में काम लेते हैं। वायर्स इससे बनते हैं। फिश प्लेट्स जो रेलवेज में हम काम लेते हैं रेलवे लाइन्स में। हाई टेंशन ट्यूब्स जो होती हैं उसमें काम लेते हैं। फोर्जिंग में हम इसको काम लेते हैं। लोको टायर में काम लेते हैं और रेल लैमिनेटेड स्प्रिंग्स में हम इसको मीडियम कार्बन स्टील को बनाने में काम लेते हैं। हाई कार्बन स्टील क्या होता है? हाई कार्बन में परसेंटेज ऑफ जो कार्बन है दैट वेरीज फ्रॉम 0.6 टू 0.9। इससे हम लोग कई तरह के जो कटिंग जो टूल्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं। सेट स्क्रू ड्राइवर्स हम बनाते हैं। सॉ यानी आरी ड्रिल, एनविल, रॉक ड्रिल, हैंड टूल्स जितने भी हम लोग बनाते हैं उनमें हम लोग हाई कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं। टूल स्टील क्या होता है? टूल स्टील यानी 0.9 से 1.4% तक का जिसमें कार्बन होता है वो जो स्टील होती है वो टूल स्टील कहलाती है। इसको हम कहाँ कहाँ काम लेते हैं? जैसे स्प्रिंग हो गई, एक्सिल हो गए, टैप ड्रिल्स हो गए, बॉल बियरिंग हो गई, लेथ के टूल्स बनाने में काम आता है, वुड वर्किंग टूल में ये काम आता है, सॉ यानी आरी, बोरिंग टूल और फिनिशिंग टूल्स के निर्माण में हम लोग टूल स्टील का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। पाँचवा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है अलॉय स्टील। नॉर्मली इसमें कार्बन, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, सिलिकॉन और मॉलिब्डेनम, वैनेडियम हम लोग ये अलग अलग मात्राओं में हम डालते हैं बेस या पेरेंट मेटल में, जिससे कि हम उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम इंक्रीज़ कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकें और जहां हमें जो भी प्रॉपर्टी चाहिए तो उस हिसाब से हम उसमें उसकी अलग अलग, जैसे मैंने आपको नाम बताया निकल हो गया, क्रोमियम, अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रतिशतता में डाल के उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हम लोग चला सकें। अब बात करते हैं वाइट कास्ट आयरन क्या होता है। वाइट कास्ट आयरन जैसा कि नाम से क्लियर है इसकी हम प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे। इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद होता है और ये बहुत हार्ड होता है और ये थोड़ा क्योंकि हार्ड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है तो इसको मेल्ट करने में हमें बहुत समय लगता है। और इसकी कार्बन की जो प्रतिशतता है वो देखिए, आप देखिए 3.25 से लेकर 4.25 तक का परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है और 1.5 से 2.5% इसमें सिलिकॉन होता है। अच्छा, इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी एक क्वालिटी है या फिर करेक्टरिस्टिक्स है या फिर गुण है वो है संक्षारण प्रतिरोधी यानी कोरोजन रेजिस्टेंट यानी जंग लगने की जो प्रवृत्ति होती है इसमें बहुत कम होती है। फिर यह मशीन पर ठीक से कार्य करने हालांकि योग्य नहीं होता है। वाइट कास्ट आयरन स्वतंत्र ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है। यह कास्टिंग करने के काम आता है, कास्टिंग यानी ढलाई के काम में इसको हम लोग काम लेते हैं। सामान्यतः जो कास्ट आयरन डेली यूजेस की वस्तुओं में हम लोग काम, जैसे बाथ टब हो गया, हमारा बेसिन हो गया, पाइप हो गया, सिलेंडर हो गया, कार के व्हील्स, ये बनाने में हम लोग वाइट कास्ट आयरन को अधिकतर काम लेते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन का जो स्रोत होता है वो क्या होता है। तो आयरन जो है वो एक मिनरल है, पदार्थ है जो विभिन्न आयरन ओर्स लोह अयस्क के हमें रिफाइनिंग द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। कि खान से हम लोगों को लोह अयस्क प्राप्त होता है ये मतलब थोड़ा गंदा और इसका होता है, फिर हम इसके इस पर कई प्रोसेस करके हम लोग अलग अलग तरह के आयरन और अलग अलग तरह के स्टील्स हम लोग प्राप्त करते हैं और उनका इस्तेमाल हमें जैसा जहाँ चाहिए होता है उस हिसाब से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। पर सबसे पहले जो हमें जिस फॉर्म में मिलता है वो माइंस से मिलता है, आयरन ओर के फॉर्म में मिलता है ना, तो फिर हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसके अलग अलग रूप बनाते हैं। तो आयरन ओर जो होते हैं वो नॉर्मली ऑक्साइड्स होते हैं या फिर सल्फाइड्स होते हैं या फिर कार्बोनेट्स होते हैं आयरन के, ये फॉर्म में मिलता है हमें, डायरेक्ट आयरन नहीं मिलता है। फिर हम उसका अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग करके हम लोग आयरन और स्टील प्राप्त करते हैं। तो आयरन ओर क्या होता है? वी गेट आयरन फ्रॉम द आयरन ओर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया लोहा जो हमें वो लोह अयस्क के माध्यम से खानों में जो मिलता है उसके माध्यम से मिलता है। आयरन इज मोस्टली प्रेजेंट इन ऑक्साइड फॉर्म इन आयरन। आयरन जो होता है, जो लोहा होता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में होता है लोह अयस्क में।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ओर एज डिफरेंट क्वालिटीज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो अलग अलग जितने भी लोहस होते हैं उनमें अलग अलग मात्रा में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है ना। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं आयरन ओर में, जैसे सिलिका, एल्यूमिना, सिलिका मतलब सिलिकन SiO2, इसका केमिकल फार्मूला एल्यूमिना का Al2O3, Al2O2 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये सब मैग्नीशियम, मैंगनीज ऑक्साइड, फॉस्फोरस, मैग्नीशिया, ये सब आपकी आयरन ओर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं है ना, वो मैंने आपको बताई हैं। अब कार्बन इम्प्योरिटीज़ का कोई काम होता नहीं है, तो इनको हम लोग बोलते हैं गैंग, GANGUE, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं असार, है ना। अब हम बात करते हैं जो अलग अलग मैं आयरन ओर्स की बात आपको बता रहा हूँ, उसमें एक होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट होता है, जैसे मैंने अभी पहले आपको एक वर्ड सुना था आपने सीमेंटाइट, ऐसे ही एक मैग्नेटाइट होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Fe3O4। लोहे का जो सबसे अधिक जो समृद्ध या रिच जिसे कहते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, वो होता है मैग्नेटाइट। इसमें जो लोहा होता है वो लगभग 70-73% इसमें आयरन कंटेंट यानी लोहा होता है, और इसका जो कलर होता है वो थोड़ा ब्राउन या ब्लैक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इसकी होती है वो 4.9 से लेकर 5.2 तक होती है, और बहुत कठोर होता है, और इसमें चुंबकीय प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं मैग्नेटाइट। अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ जो आयरन ओर है, दैट इज़ नोन एज हेमेटाइट, Fe2O3। इसमें आयरन ओर होता है वो लगभग 65-70% के बीच में होता है, और इसका जो कलर होता है डीप रेड होता है, गहरा लाल होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जो है मैग्नेटाइट के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, वो मोर और लेस वैसे रेंज वही है, 4.5 से 5.3 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। कलर बहुत अलग होता है, और सल्फर और जो फॉस्फोरस होते हैं इसमें ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और ये एक नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी इसमें चुंबकीय जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती है, है ना। तो अब आपको जो इसमें जो चीज़ देखनी है वो ये है कि हमें हर एक जितने भी आयरन ओर हैं अलग अलग, उन सब का हमें कार्बन परसेंटेज या आयरन कंटेंट का भी ध्यान रखना है, और उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हम लिमोनाइट की। लिमोनाइट का जो केमिकल फार्मूला है वो आपका है 3Fe2O3.3H2, यानी इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म होती है ये, मतलब इसमें पानी की मात्रा भी होती है। 60% इसमें आयरन कंटेंट होता है, देखिए लिमोनाइट में, है ना। सबसे ज़्यादा तो आपको किस में बताया था मैंने, हेमेटाइट में बताया था, 70 से लगभग 73% होता है मैग्नेटाइट में, सॉरी हेमेटाइट में मैंने आपको बताया था 65-70%। तो आपको परसेंटेज ध्यान रखना है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो आयरन ओर होता है दैट इज़ मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत होता है, है ना। फिर लिमोनाइट मैंने आपको बताया इसमें 60% है वो आयरन कंटेंट होता है, इसमें 14.5% कंबाइंड वाटर होता है, लाइट येलो ब्लैक कलर का होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी 3.6 से 4 के आसपास होती है। फिर जो चौथा लोएस्ट होता है वो होता है साइडेराइट FeCO3, इसमें आयरन का जो परसेंटेज है थोड़ा कम होता है, वो लगभग होता है आपका 40-48%, लाइट येलो या ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, और इसका जो विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 3.7 से 3.9 के बीच में होती है। फिर जो सबसे नीचे जो आता है जिसमें सबसे कम आयरन कंटेंट पाया जाता है वो होता है आयरन पाइराइट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं FeS2। तो आयरन इसमें 47% के बराबर होता है, बाकी जो होता है सारा का सारा सल्फर होता है। हेमेटाइट जो है आसानी से हम लोग रिफाइन कर सकते हैं और उसमें सल्फर नहीं होता। ऑल दो मैग्नेटाइट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन बट इट्स रिफाइनमेंट इज़ हार्ड टू डू, मतलब मैग्नेटाइट में जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है आपका आयरन का 70 से लगभग 73%, बस उसका जो रिफाइनमेंट होता है शुद्धिकरण या शोधन होता है वो बड़ा मुश्किल से होता है। तो साथियों आज हमने जो डिस्कस किया है इसमें टाइप ऑफ आयरन ओर्स, इनकी परसेंटेज आपको बता दी मैंने, स्रोत जिसे कहते हैं कि हमें आयरन ओर कहाँ से मिलता है, आयरन कहाँ से मिलता है, और कितने तरह के आपके कार्बन स्टील्स होती हैं, है ना, और हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं आयरन स्टील को, कितने तरह के आयरन होते हैं, मेटल्स का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, और फेरस मेटल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। दूसरे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया इसको आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में समझने में आसानी होगी।